और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आपको। मैं ये रोड आ रही है, हम वहाँ खरमंग से आए हैं और ये रोड जा रही है आगे कारगिल। हम बॉर्डर से ओल्डिंग गांव से 5 किलोमीटर दी लास्ट गांव है खरमंग वैली का, दूर है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं कलर्स, दो पानी के कलर्स। ये जो ग्रीन पानी है ये तिब्बत से आ रहा है, जो इंडस में मिल रहा है, और ये इंडस है जो जा रहा है आगे मेन। और ये कारगिल से पानी आ रहा है, रिवर आ रहा है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सोर्स एक मिली है हमें इंडस की, ये देखें, ये कारगिल से आ रहा है पानी, ठीक है। इसका कलर देखें, और वो तिब्बत से आ रहा है, चाइना से। ये इंडस में मिल रहा है, यहाँ पे एक मीटअप है इसका। तो मैंने कहा आपको ब्रीफ करूँ, अल्लाह के हुक्म से हम पहुँच गए दोस्तों आप लोगों की दुआओं से। तो जनाब एक नई चीज़ एक्सप्लोर की है, बहुत कम लोगों ने देखा, ये बॉर्डर एरिया पीछे उस तरफ आपको मैं दिखाता हूँ एक दफ़ा फिर। वो जो माउंटेन है जिसपे स्नो गिरी है, ये इंडियन पहाड़ी है, ऑक्यूपाइड कश्मीर है कारगिल की। और ये इस तरफ हमारी पोस्ट है ब्राउन वाली पे, ये ट्रैक जा रहा है जवानों ने बनाया हुआ है। तो इस वक्त हम समझे बॉर्डर एरिया पे ही है, और ये नेचर का देखें मिलाप। नेचर नहीं देखती कि बॉर्डर क्या है, क्या कुछ है, नेचर की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। दिस इज़ माई पॉइंट कि नेचर की कोई बाउंड्रीज नहीं है। देखिए इनको कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता है ना। वो एक चाइना से, तिब्बत से आ रहा है, ये कारगिल इंडिया से आ रहा है, इंडस जो सिंधु जिसे कहते हैं, लेकिन कोई इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों नेचर के साथ जिएंगे तो आप इंजॉय करेंगे ज़िंदगी का, आपको समझ आएगा। तो अब हम आगे और जा रहे हैं बॉर्डर के करीब, मिलते हैं दोस्तों, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।